मिर्जापुर कटरा थाना क्षेत्र के सुरेकापुरम कॉलोनी में रहने वाले मोबाइल व्यवसायी का सुबह घर के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। देर शाम मोबाइल व्यवसायी अपने परिवार में देवी जागरण के नाम पर घर से निकला हुआ था। रात भर वापस नहीं लौटने पर परिवारजन खोजबीन कर रहे थे। अचानक सुबह पड़ोसियों द्वारा परिवार वालों को बताया गया कि एक लड़का घर के पास पड़ा हुआ है। परिजन जब पहुंचे तब उनको उनका बेटा पड़ा हुआ मिला। आनन फानन में परिजन घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर युवक को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। रमेश श्रीवास्तव जी, मित्र के क्या हैं आप? पापा हैं। क्या हुआ घर में, पूरी बात बताइए। रात को गए थे कहीं कोई प्रोग्राम में, उधर से लौटे हैं। क्या हुआ यहाँ, उनका सुबह में लाश मिला है। कब देखे हैं आप लोग, कैसे पता चला आपको? कोई खबर दिया है अनजान आदमी कोई। आप लोग घर में नहीं थे? नहीं, घर ही पे थे। वो रात भर घर में नहीं थे। आप लड़का घर में नहीं था? नहीं, लड़का मेरा है, बड़ा वाले थे, ऊपर थे। कहाँ, कैसे पता चला आपको? कोई देखा है वहाँ पर तो बताया है, शायद उस समय जाग कुछ होश में था तो बोला कि बचाऊ बचाऊ मगरी को, तो बचाऊ के यहाँ फोन गया, बचाऊ के घर से यहाँ फोन आया, तो ये लोग हमको बताए। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी पोस्टमार्टम में मिट्टी के इंतजार कर रहे हैं। सुरेखापुरम कॉलोनी के नीरज श्रीवास्तव कल अपने घर से ये कह के गए थे कि हम जागरण में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जागरण पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन आज सुबह जहाँ हम लोग खड़े हैं घटनास्थल है डगहार के पास, घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जहाँ पर इनके परिजन अस्पताल ले गए और उनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया कई कारण हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आसनाई का भी मामला हो सकता है या अन्य मामला भी हो सकता है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, घटना का तुरंत आवरण करेंगे और मौके पर पुलिस पहुँच करके विधिक कार्रवाई कर रही है।